away. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing. मैं उठती हूँ 7:50 पे, चाहे क्लास हो या ना हो मॉर्निंग क्लास। बस मंडे को मेरी मॉर्निंग क्लास नहीं होती तो मैं फटाफट से ब्रश करके और शॉवर लेके फटाफट से मैच जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ पे। मैस से आने के बाद मैं होती हूँ रेडी मेरी फर्स्ट क्लास के लिए, जो कि होती है हमारी 11:30 पे मंडे को, और वो होती है बायो की क्लास। तो उसके लिए अभी मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। फिर बायो क्लास के लिए हमको लेक्चर हॉल तक 10 से 15 मिनट लगता है पहुँचने में। बायो क्लास ख़त्म होती है हमारी 12:50 पे। उसके बाद हम लोग का लंच टाइम होता है, फिर वापस हमारी 2 बजे से क्लास होती है। तो उससे पहले रास्ते में मैं इस जगह पे ज़रूर बैठती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना। तो आज तो मैं थोड़ा सा ऐसी बस फ़न कर रही थी, बिकॉज़ इतने दिनों बाद मैंने क्लासेस अटेंड की थी छुट्टियों से आने के बाद। तो अभी चलते हैं मैस, फिर हम करेंगे क्लास अटेंड। और हमारे मैस के अंदर QR स्कैन करने का ऑप्शन होता है, जो कि बहुत बेस्ट होता है। ये है हमारा मैस। तो अभी मैथ से निकलने के बाद फटाफट से चलते हैं क्लास। अभी है मेरी कोर कोर्सेज की क्लास, जो कि होने वाली है लगातार 2 बजे से लेकर 6:20 तक। तो क्लासेस हमें अटेंड करने के बाद सिर्फ 10 मिनट मिलते हैं, बिकॉज 6:30 से हमारा PE होता है, और जिसकी अटेंडेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वो पास एंड फेल कोर्स है। फटाफट से अभी हम जल्दी से रेडी होंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। ऑल दो कुछ लोगों को लगता है कि पी से हमारा शेड्यूल काफ़ी हैक्टिक हो जाता है, बाकी बहुत रिलीफ होता है इससे, क्योंकि इतनी सारी क्लासेस होने के बाद बहुत अच्छा लगता है जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अभी हम चलते हैं फटाफट से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वरना हम लोग जाएंगे लेट। तो ये है हमारा अच्छा सा खासा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हम लोग डेली 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 पी करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। उतने में हो जाता है हमारे रात के डिनर का टाइम, तो मैं फटाफट से जाती हूँ मैस। फिर मैस से आने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठती हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, एंड उसके बाद मैं करती हूँ घर पे वीडियो कॉल, बिकॉज डेली डेली घर पे वीडियो कॉल रहने से बहुत अच्छा लगता है। ऑल दो हमको डेली डेली असाइनमेंट्स तो नहीं मिलते, बट फिर भी हमको टाइम पे कंप्लीट कर लेने चाहिए असाइनमेंट। तो इसलिए मैं रात को डिनर के बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज दिन के अंदर टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए रात को असाइनमेंट करते हैं।
मेरे डे का सबसे फेवरेट पार्ट होता है बिकॉज मुझे एडिटिंग करना बहुत अच्छा लगता है और लास्ट के दम मैं करती हूँ एडिटिंग। एडिटिंग करने के बाद और इतना हैक्टिक पूरा डे निकलने के बाद हम लोग थोड़ा सा चिल करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में हॉस्टल्स के अंदर, कभी कॉफ़ी बनाते हैं फिर कभी चाय कभी मैगी एंड ऑल। तो इस दिन हम लोगों ने बनाई थी कॉफ़ी और हम लोगों ने सब ने बातें करी थी बहुत सारी लेट नाइट टॉक। और यही होता है हमारा दिन का एंड। बाय बाय।